और खबरों के बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, देवरिया हत्याकांड के बहुचर्चित मामले से जुड़ी है। पुलिस ने हत्या के आरोपी नवनाथ मिश्र को भी गिरफ्तार किया है। जी हां, यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी जमीनी विवाद को लेकर। इसी कड़ी में लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और खुद सीएम योगी इसकी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आपको बता दें, नवनाथ ने ही राइफल से 3 गोलियां चलाई थी, ऐसी बात बताई गई है। जी हां, नवनाथ प्रेमचंद यादव का चालक था, घटना के बाद पहुंचा था सत्यप्रकाश दुबे के घर राइफल लेकर, और पुलिस ने नवनाथ को रुद्रपुर कोतवाली के मनौली चौराहे से गिरफ्तार किया। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या कहना है पुलिस अधिकारी का। देखिए, ये जो थाना रुद्रपुर में गांव फतेहपुर में 2 अक्टूबर को जो घटना हुई थी, उसमें एक मुकदमा सत्यप्रकाश दुबे जी के परिवार जनों की तरफ से लिखा गया था। संदर्भ धाराओं में इसको हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया था। इस मुकदमे में इससे पहले अभी तक 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके थे। आज इसी केस में एक जिसको मुख्य अभियुक्त इस घटना का कह सकते हैं, जिसका नाम नवनाथ मिश्रा है, और ये जो दूसरे पक्ष के मृतक प्रेमचंद जिनके साथ में रहता था, उनका ड्राइवर और अन्य कार्यकर्ता था, इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इसने अपने बयान में ये एक्सेप्ट किया है कि घटना के दौरान ये मौके पर मौजूद था और जो 3 राउंड फायर राइफल से किया गया था वो इन्होंने ही किया था सत्यप्रकाश दुबे के परिवार पर, और इसमें इनकी निशानदेही पर जो आला कत्ल राइफल है वो भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया।